नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बड़ी खबर बीजेपी कैंप से आ रही है और खबर यह है कि संसद सत्र के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। बीच में चर्चा चली थी कि अभी नड्डा जी को ही थोड़ा दिन और खींच लिया जाए, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में नड्डा जी के अध्यक्ष रहते और मंत्री रहते, एक कार्यकारी या फिर कहें कि पार्ट टाइम अध्यक्ष रहते ये काम नहीं किया जा सकता। इसलिए एक फुल फ्लेज अध्यक्ष की जरूरत होगी और इसी सिलसिले में शुरुआत में कहा गया कि पहले मंत्रिमंडल का गठन कर लेते हैं, उसके बाद कहा गया कि संसद का सत्र आने वाला है उसे निपटा लेते हैं, उसके बाद तब संगठन पे ध्यान देंगे। तो संगठन पे ध्यान देने वाला समय आ चुका है और परिवर्तन सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिलेंगे ही, कुछ नए महासचिव और कुछ उपाध्यक्ष भी मिलने वाले हैं। और जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद बताया जा रहा है कि अगस्त के आसपास कुछ राज्यों के संगठन मंत्री वगैरह बदले जा सकते हैं। जैसे चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के संगठन जो देख रहे हैं धर्मपाल जी, उनको किसी और कार्य में संघ लगा सकता है या किसी अनुषांगिक इकाई में भेजा जा सकता है। इसी तरह कुछ और राज्यों के संगठन मंत्री के बारे में चर्चा है कि हो सकता है कि या तो उन्हें दूसरी जगह भेजा जाए या फिर उन्हें कुछ और अतिरिक्त दायित्व दिया जाए। अतिरिक्त का मतलब ये मत समझिए कि वो संगठन मंत्री रहते हुए अतिरिक्त दायित्व करेंगे, वो संगठन मंत्री नहीं रहेंगे बल्कि कोई दूसरा दायित्व संभालेंगे। ये तो हो गई बीजेपी की बात, लेकिन बीजेपी के अंदर ही एक और चर्चा है संगठन को लेकर। संगठन को लेकर चर्चा क्या है, इससे पहले हम कुछ राज्यों का उदाहरण देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों का एक तबका समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। अब चर्चा यह चल रही है कि अगर बिहार फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, अगर यह संभव हो तो क्यों ना मायावती की पार्टी से एक बार बातचीत कर लिया जाए। और आकाश आनंद एक प्रॉमिसिंग नेता हैं दलितों के और वो वही रोल निभा सकते हैं जो कि बिहार में चिराग पासवान ने निभाया है। तो अगर बसपा और भाजपा किसी तरह एक साथ आ जाए तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जमीनी कुछ फायदा हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सीरियस है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक और खबर है कि कम से कम 100 विधायकों के टिकट काटे जाने हैं। अब वो विधायक कौन होंगे नहीं पता, लेकिन टिकट कटना कंफर्म है, 100 के आसपास विधायकों के टिकट कटेंगे। खैर, हम बात कर रहे थे दलित। एक और राज्य है जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड। झारखंड में दलितों की आबादी 10-12% है, लेकिन कोई एक बड़ा दलित चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित नेता अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, लेकिन कुछ और नए नेता के ढूंढने की कवायद जारी है और हो सकता है कि कुछ और महत्वपूर्ण पद किसी दलित को दिए जाए अमर बावरी के अलावा। इन 10-12% वोटरों को कैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर एकजुट किया जाए, इस बात को लेकर मंथन हो रहा है। बिहार का मैंने बता ही दिया, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां दलितों के लगभग सारे नेता, चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। तो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मोदी सिर्फ ओबीसी के सबसे बड़े नेता नहीं बने बल्कि वो दलितों के भी सबसे बड़े नेता कहे जाएं और सवर्णों के भी सबसे बड़े नेता हों। तो सवर्ण, ओबीसी और दलित, अगर ये तीनों एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और किस तरह जातिगत एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है या दुराग्रह है उसे किसी तरह कम किया जाए तो हिंदुत्व की एक नई लहर पैदा की जा सकती है। और इसके लिए ये जातिगत भेदभाव को कम करना होगा किसी भी तरह से। ये रणनीति दलितों को अपने साथ जोड़ने की, ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को, क्योंकि इस बार अति पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उसका लाभ भी मिला। लेकिन एक और बड़ी खबर है, खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर से योगी आदित्यनाथ खुश नहीं है और जिस तरह उनके एक विधायक फंसे हैं नीट परीक्षा जो पेपर लिख हुआ है उसमें, उसके बाद तो योगी जी बिल्कुल उनसे खफा खफा हैं। और खबर यह है कि उन्होंने राजभर को बुला के, ओम प्रकाश राजभर को बुला के डांटा भी है और कहा है कि ऐसे नहीं चलेगा। मतलब ये कि ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज्यादा महत्व देने के पक्ष में न योगी आदित्यनाथ है न बीजेपी संगठन है।
देखना क्या होगा कि हमेशा की तरह ओम प्रकाश राजभर किधर पलटी मारते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है जो कि योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को बुलाकर कड़े शब्दों में कहा कि नहीं चलेगा ये, और आपका विधायक दागी है, या तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए या फिर हम करें। तो दलित विमर्श को लेकर, दलित राजनीति को लेकर, बीजेपी संगठन में होने वाले बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है, किसे आना चाहिए? इस बीच एक खबर तो छूट ही गई, संजय जोशी। बहुत सारे लोगों को ये नाम याद होगा। खबर यह है कि संजय जोशी की दोबारा मुख्यधारा की राजनीति में वापसी हो सकती है। आरएसएस इसके लिए लगा हुआ है। अब ये सफल होता है नहीं होता है वो तो देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।